घटना 25 जुलाई 2021 की है। समय लगभग शाम 3 बजे के आसपास मुंशीवर दत्त पांडे के पड़ोसी रमेश चंद्र पांडे, राकेश पांडे, गौरव पांडे ने मिलकर मुंशीवर दत्त पांडे को बांस के डंडे से इतना पीटा, इतनी बेरहमी से पीटा कि इलाज के दौरान मुंशीवर दत्त पांडे की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थी लालगंज थाने में नामजद तहरीर देकर आया, लेकिन अब तक थाना अध्यक्ष रंजीत सिंह भदौरिया द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते हत्यारों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और हत्यारे जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। आखिर किसके सह पर थाना अध्यक्ष द्वारा गिरफ्तारी नहीं की जा रही है? थाना अध्यक्ष के संरक्षण में हत्यारे घूम रहे हैं और पीड़ित को बार बार धमकी दे रहे हैं। आखिर क्यों हत्यारों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है? लगभग 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन अब तक पुलिस क्यों हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई? पीड़ित रविंद्र दत्त पांडे के पिता की मृत्यु के बाद क्या पुलिस और कोई अनहोनी का इंतजार कर रही है? आखिर क्यों हत्यारों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या नाम है चाचा आपका? रविंद्र दत्त पांडे। आपका मकान कहाँ पड़ता है? गांव बेनीपुर, थाना लालगंज, तहसील लालगंज, जिला प्रतापगढ़। ये क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारे पिताजी की हत्या कर दी गई, आज तक कोई खबर लेने वाला नहीं है। हत्या हुई तो इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है कि नहीं? मुकदमा पंजीकृत 302 का हुआ है, लेकिन कोतवाल साहब ये कहकर मुकदमा किए कि जब विवेचना मुझे ही करनी है उसके बाद दिखा लो मुकदमा। तो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई किसी ना की? आज तक कोई पुलिस गया उसके दरवाजे पर न गिरफ्तारी हुई। वो कातिल जो है वो पुलिस के साथ चाय की चुस्की लेते हैं बैठ करके कोतवाली में पैसे की बदौलत। किस थाने का मामला है? थाना लालगंज झारा। तो आपने एसपी महोदय के यहाँ एक एप्लीकेशन दी है, लेकिन आज तक सुनाई नहीं, एक हफ्ता हो गया। अब क्या चाहते हैं? अरे मैं चाहता हूँ उचित कार्रवाई हो किसी तरीके। हमारा जान बख्शे, हमको भी धमकी मिल रही है, हमारी लड़कियों को भी आने जाने में दिक्कत हो रही है, घर से निकलना। धमकियाँ कौन कौन दे रहा है? अरे वही कातिल लोग हो। कौन? क्या नाम है? नाम पता है आपको? रमेश और गौरव। रमेश का लड़का गौरव है, रमेश है, राकेश पांडे।